ये भय से मुक्त गुजरात है जहां सरदार पटेल जैसे लोग जन्म ले लिया करते हैं। हम तो किताबों में पढ़ते थे साहब, महर्षि अरविंद कहते थे कि 21वीं सदी भारत की होगी। गोलवलकर जी दिशा दिया करते थे कि कुछ बदल हो जाएगा। रामकृष्ण कृष्ण परमहंस बुलाओ मारो सूर्य। देखिए मन में बड़ी प्रसन्नता है। देश का जो भाव स्वभाव बदल रहा है, नई पीढ़ी से लेकर बुजुर्गों तक सबको सम्मान लगता हो, तब देश का बच्चा बच्चा घर से निकलकर समाज की सेवा करने का संकल्प लेता है। मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि राजुल बहन अपना नौकरी छोड़कर और इस पाटन की सेवा करने के लिए आगे आई है, तो मैं तो बधाई दूंगा। और चूंकि बहन ने अगर मन बनाया है तो ये मानकर चलना कि पाटन नए स्वरूप में सजा सजा मिलेगा। हम सब जानते हैं इस गुजरात की हवा बदली है। मैं पूरे गुजरात में लगभग 2 साल से लगातार काम करता हूं। अभी इस चुनावी दौर में ये मेरा 17वां डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मैं सोमनाथ से लेकर भावनगर तक और खेड़ा से लेकर अमरेली तक सब जिलों में मैं गया हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहां कार्यकर्ता नहीं जनता चुनाव लड़ रही है। जनता खुद अपने सजेशन देती है, वह कहती है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जुड़वाती है, कहती है कि ये 2 काम और हैं इसको भी आप ही करिएगा, यानी जनता का भरोसा भाजपा पर है, ये विश्वास लेकर चल रही है। मैं भी आशावादी हूँ। 182 सीट पूरा जीतने के लिए हम लगे हैं, मगर जनता ये कहती है 150 से ऊपर रिकॉर्ड बनाने वाला यह दौर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस गुजरात को नया गुजरात बनाने के लिए संकल्पित है।